बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान के मैरवा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सनकी व्यक्ति ने बिना वजह एक कोरियर बॉय को दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने हत्यारे सत्येंद्र राम को काफी मशक्कत के बाद पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोरियर बॉय दरौली थाना क्षेत्र के गड़ेरिया गांव का रहने वाला दिनकर प्रसाद चौबे है। घटना स्थल पर सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए हत्यारे को गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहीं मृतक के गांव के लोगों के घटना स्थल पर पहुंचने के बाद काफी हंगामा किया। वहीं घटना के बाद सिमरा गांव के लोग घर छोड़कर फरार हो गए। घटना से नाराज लोगों ने मैरवा धाम पर डेड बॉडी रखकर सड़क जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक ईकॉट कंपनी के कोरियर बॉय सिमरा गांव में डिलीवरी करने गया था, जिस वक्त दोपहर का समय था। गांव में प्रवेश करते ही सतेंद्र राम नाम का व्यक्ति जो शराब पिए हुए था, उसने सड़क पर बाइक सवार उस व्यक्ति के हाथ पर मारा, जिससे कोरियर बॉय सड़क पर गिर गया। फिर उसे लोहे की रॉड से लगातार कोरियर बॉय को मारता रहा, जिससे वहीं पर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के चश्मदीद लोगों द्वारा शोर किया गया। ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो हत्यारा कई लोगों से भिड़ गया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस हत्या के पीछे हत्यारे की क्या मंशा रही, इससे सभी लोग अनजान है। कोई कह रहा है पागल है, कोई कह रहा है शराब के नशे में था। बिना वजह की गई हत्या से सभी लोग चकरा गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त हत्यारा नशे में था। नशे के दौरान किए गए इस हत्या से नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही एसपी के बुलाने पर मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शन स्थल पर काफी देर बाद मैरवा इंस्पेक्टर और बीडीओ पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान लगभग 2 किलोमीटर तक जाम भी लगा था। लगभग 4 घंटे के बाद एसडीओ रामबाबू बैठा पहुंचे और प्रदर्शनकारियों की मांग सुनी और कहा कि विधि सम्मत जो भी सरकार की योजना है उसका लाभ मृतक के परिवार को मिलेगा। ये बात कहकर जाम को हटवाया गया। मैरवा से राजू कुमार की रिपोर्ट। ए बाबा आराम से भइल है, सर से कहा ल ताकि आई पुलिस ही ओके आ वही वकील से बना ले जे मसूद बना के सब देखो वही के पत्नी के नाम से दिया जे सर, लेकिन अब ता के ना पहले वो आराम से एकदम मॉर्निंग में पहुंच जाएगा। हां हां बस और तो नहीं कर लो ना, लेकिन पत्नी से वापस तो वो लोग न्याय मिल जाएगा। अपना मौत से का दे बनी रौरा बताई रौरो तो बन के कुछ मुआवजा के प्रावधान होगा रौरा का दे सरकार में रौरा न्याय पूर्वक जौन व्यवस्था हो परिवार के तो पूरा परिवार के साथ बटले बने के बात मानिए सब करने के लिए परिवार के है अब परिवार से परिवार के फेफड़ा कैंसर टीबी जैसी बीमारियों से हैं परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सीवान।